खान भाई एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम इंतजामिया के 80 ग्राम के रोटी के रेट को नहीं मानते क्योंकि हम आटा महंगा और रोटी सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते। बात अर्जी है कि हमें जिस टाइम ये रोटी का रेट जारी हुआ था उस टाइम आटे की कीमत थी 800 रुपये, 15 रुपये रेट जारी हुआ था। तो फिर आटे की कीमतें ऊपर चली गई, तो हमें जब दोबारा रेट जारी किया गया उस टाइम 8400 की बोरी हो गई थी, यही 8400-8500 की बोरी थी। उन्होंने ये रेट जारी किया, वो भी जबरन जारी किया, हमने इसको रिजेक्ट किया था। हमने पहले भी इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम इस रेट को नहीं मानते। जबरन उन्होंने 85 ग्राम रोटी इंतजामिया ने हमें जारी कर दी, जो हमें जारी हो गया था। फिर उसके खिलाफ हमने शौकत नवाज मीर साहब ने हमें कहा कुछ दिन सब्र करें आप, हमने फिर इनके कहने पर सब्र कर लिया। फिर उसके बाद हमें जो रेट इन्होंने जारी की, अब ये आटे की कीमतें पहुंच चुकी हैं 12000 पे। आज का रेट है, जो कल का रेट 11000 कुछ था, तो आज 12000 पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हमें कह रहे हैं कि आप 5 ग्राम वेट और कम करके वाम के सामने भी चोर बन जाएं, इंतजामिया के सामने भी चोर बन जाएं, तो वाम के साथ आप लड़ते रहें। तो हमारा मौकफ यह है कि हमें उसी रेट के हिसाब से, जो कैलकुलेशन फूड अथॉरिटी के राशिद कुरैशी साहब ने की है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 100 ग्राम रोटी का वेट दिया जाए। हमारा और कोई मुतालबा नहीं, हमारा इंतजामिया से